अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लखनवी पुलाव की रेसिपी, जो व्यूअर्स रिक्वेस्ट थी और खाने में भी ये बनती है बहुत ही टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं लखनवी पुलाव। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटन का स्टॉक बनाना है। तो ये मैंने कुकर गरम करने रखा है और इसमें हम ऐड करेंगे 500 ग्राम मटन, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। उसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी प्याज, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 गांठ लहसुन की, साथ में कुछ मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें 2 सूखी लाल मिर्च, 3 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टारफुल, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 4 हरी इलायची, 15 से 20 काली मिर्च, 2 टेबलस्पून अक्खा धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। इसे भी हम स्टॉक में ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे पोटली बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं या डायरेक्ट इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 2.5 ग्लास जितना पानी ऐड करूँगी, ताकि मटन का स्टॉक जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो यहाँ पर मैंने 2.5 ग्लास पानी ऐड किया है। साथ में ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। मिक्स करेंगे और अब हम कुकर की लिड बंद करेंगे और इसमें हम 5 से 6 प्रेशर ले लेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह से मटन जो है वो गल जाए और स्टॉक हमारा रेडी हो जाए। तो ये मैंने 5 से 6 प्रेशर ले लिए हैं और प्रेशर ऑटोमेटिकली मैंने रिलीज़ होने दिया था। और ये देखिए, हमारा मटन का स्टॉक बनकर तैयार है। तो अब हम इसे छन्नी कर लेंगे। और ये देखिए, गोश्त को मैंने अलग कर लिया है और मसालों को अलग कर लिया है। इसमें से हम अदरक और प्याज का जो रस है उसे निकाल लेंगे और स्टॉक में ही ऐड कर देंगे। तो ये देखिए स्टॉक। अभी हमें गरम मसाले का पाउडर बना लेना है। तो 1 बड़ी इलायची, 1 स्टारफुल, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं छोटे, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और 2 हरी इलायची का हम इसमें गरम मसाले का पाउडर बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करने रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी। साथ में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और ये देखिए, प्याज जो है वो गोल्डन कलर की हो गई है। तो इसमें से थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, और दम देते वक्त इस्तेमाल करेंगे थोड़ी प्याज। अब हम इसी प्याज में ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 हरी इलायची और 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े। कुछ सेकंड के लिए सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और कुछ सेकंड के लिए फिर से सौते कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन जो हमने उबाल लिया था वो। मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम मटन को भी भून लेंगे। और 1 से 1.5 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च स्लिट की हुई और 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितने दही का इस्तेमाल किया है, जिसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। मिक्स करेंगे और दही का भी पूरा पानी ड्राई होने देंगे, तब तक हमें भून लेना है दही को। तो उससे पहले हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था वो। मिक्स करेंगे और तेल छूटने तक हम इसे भून लेंगे। तो ये देखिए, दही का पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है
हल्का हल्का तेल छूटने लगा है, इतना हमें भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्टॉक जो हमने बनाया था, वो मिक्स करेंगे और एक उबाल आने देंगे। साथ में ऐड करेंगे चावल के हिसाब से नमक, हमने स्टॉक में भी नमक का इस्तेमाल किया है तो उस हिसाब से हम चक्कर फिर यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए उबाल आ गया है, तो अब हमें इसमें पानी चावल ऐड करना है, तो एक बार हम इसे मिक्स करेंगे और चावलों को ऐड करेंगे। तो ये मैंने बासमती राइस लिया है जिसे 10 मिनट पहले से मैंने भिगो कर रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने जितना चावल और जितना गोश्त है उतना ही चावल लिया है, मतलब 500 ग्राम। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर तक ही पानी रखना है क्योंकि हमने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप चेक कर ले, 1 इंच ऊपर तक पानी रहेगा तो इतना पानी हमें बस हो जाएगा, इसमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने देंगे। तो ये देखिए उबाल आने लगा है अच्छी तरह से, तो ऊपर का जितना पानी है उतना पूरा पानी हमें ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर ही। तो एक दफ़ा हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अभी पूरा ऊपर का जो पानी है वो ड्राई होने लगा है, तो अब हम इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। और लो फ्लेम पर अब हम इसे दम देकर पका लेंगे। तो उससे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी सुनहरी की हुई प्याज, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कलर। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून पानी में 1 पिंच फूड कलर लिया था ऑरेंज, उसे भिगो कर रखा हुआ था, उसे हम ऐड कर देंगे। और ढककर अब हम इसे पकने देंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। और 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा लखनवी पुलाव बनकर तैयार है। ये देखिए तो ये अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और ये देखिए कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं, एकदम परफेक्टली कुक हो चुके हैं ये, और गोश्त भी अच्छे से गला हुआ है। तो ये हमारा गर्मा गर्म लखनवी पुलाव अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व। आप इसे सर्व कीजिए ग्रीन चटनी के साथ, सलाद के साथ, रायते के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। गार्निश कर लेंगे प्याज के साथ और हरे धनिए के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।